तो इलेक्ट्रिकल डोज दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में डिप्लोमा ट्रेनीज की और कुछ नॉन टेक्निकल और डिग्री वालों के लिए वैकेंसीज हैं, और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST एंड OBC कैटेगरी। ये जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों, सिर्फ OBC और SC ST कैटेगरी के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट है। इसका नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई, कौन कौन से लोग इलिजिबल हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इसका फुल नोटिफिकेशन दोस्तों मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस PDF को मैंने डाउनलोड कर लिया है, काफ़ी वैकेंसीज हैं। देखिए, मैनेजर की फाइनेंस क्वालिटी टेस्टिंग कमिश्निंग मटेरियल मैनेजमेंट की वैकेंसी है, इसमें देख सकते हैं ST और OBC की वैकेंसी है। हम डायरेक्ट दोस्तों देखिए बात कर लेते हैं, अगर ऑफिसर रैंक की तो ह्यूमन रिसोर्स वालों के लिए वैकेंसी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी की वैकेंसी, टेस्टिंग एंड कमिश्निंग वैकेंसी है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। असिस्टेंट ऑफिसर में देखिए मेंटेनेंस मैकेनिकल, मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल, जहाँ डिग्री वाले एलिजिबल है, और सिविल की वैकेंसी, ये सारी वैकेंसी है दोस्तों ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है। डिप्लोमा ट्रेनिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर मैकेनिकल की 21 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल की 6, इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 है, सिविल की 3 है, टूल एंड टाइम मेकिंग की 1 है, केमिस्ट की 1 है, जिसमें SC के लिए 21 वैकेंसी है और ST के लिए 13 वैकेंसी है रिजर्व है। ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स की 4 वैकेंसी है, और फाइनेंस की दोस्तों यहां पर 2 वैकेंसी है। अब दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर अगर हम दोस्तों आ जाएं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम यहां पर आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ग्रुप ए मैनेजर की बात कर लेते हैं टेस्टिंग एंड कमिश्निंग में, तो फर्स्ट क्लास का डिग्री चाहिए आपका, चाहे आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, और आपके पास 9 साल का यहाँ पर मैक्सिमम एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। देखिए डिप्लोमा वालों के लिए दोस्तों कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम डायरेक्ट डिप्लोमा वाले पोस्टों पर आ जाते हैं, तो वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेशर्स के कैंडिडेट्स एलिजिबल। देखिए असिस्टेंट ऑफिसर जो ग्रेड 1 की वैकेंसी है, वहाँ पर 2 साल का अगर आपने फुल टाइम MBA करके रखा हुआ है HR से, तो आप एलिजिबल है। यहाँ पर कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, 30,000 आपका बेसिक होने वाला है। देखिए, और इसके अलावा कुछ वैकेंसीज जो मेंटेनेंस मैकेनिकल, मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, वो भी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, फ्रेशर्स के कैंडिडेट BE BTEC वाले एलिजिबल हैं। और इसके अलावा डिप्लोमा वालों के लिए अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा ट्रेनीज की जो वैकेंसी है दोस्तों, उसमें देखिए आपको 3 ईयर्स का डिप्लोमा रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका बेसिक 23,910 होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड। शैल सपोर्ट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इन द जॉब स्किल एंड सुपरवाइजरी फंक्शन गेन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर पीरियड, शैल एक्ट एज लीड हैंड इन टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट टारगेट्स। तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट 29 साल OBC के लिए, 32 साल SC के लिए, तो ये एज लिमिट पूरी वगैरह दी गई, आप यहाँ पर एज लिमिट वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनीज के लिए बोला गया कि 2 साल आपका जो इनिशियली ट्रेनिंग होगी वो 2 साल की होगी। द इनकमेंडमेंट शैल बी ट्रेनिंग ऑन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, ड्यूरिंग दिस पीरियड अ कंसोलिडेटेड पे आपको मिलेगा 15,000 पर मंथ, और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड एंड रुपीज 17,000 पर मंथ एंड 19,500 पर मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड विल बी पेड रिस्पेक्टिवली ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सब्जेक्ट टू BEML बिजनेस रिक्वायरमेंट एट द पॉइंट ऑफ द टाइम विल बी एब्जॉर्ब। मतलब अगर आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल कंप्लीट रही तो BEML के बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको S1 ग्रेड पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जहाँ पर आपका बेसिक 23,910 रुपये होगा। इसी तरह आप और भी ब्रांचेस वगैरह के लिए देख सकते हैं। OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी, SC ST और PWD कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं रखी गई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का, और यहाँ पर ये क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की, वो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। और देखिए यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में और एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में बताया नहीं गया है। जैसे ही इसका मेल वगैरह या फिर ऑफिशियल साइट पर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिलीज किए जाएंगे रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस और या फिर आप एग्जामिनेशन सेंटर के रिगार्डिंग, तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।